हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अमेजिंग सा पैरासा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। हियर वी आर स्टडिंग जी नीट थियरी लेक्चर्स। सो फर्स्ट टॉपिक दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन, सो इफ वी हैव सम टर्म दैट इज वी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, राइट? सो वी is depend on x as well as y, but here if I am doing the partial differentiation, so partial differentiation that is del, so here we denote partial differentiation with del by del, and if this differentiation is with respect to x, then del by del x, right? So if I am going to differentiate v with respect to x and it is gonna partial differentiation, then d by dx of xy. So here we have two terms, x into y. So basically constant term, take it outside. So here because of x is reference, that's why y becomes constant for x. So del x into del x upon del x becomes 1. So here we get value as only y, right? Similarly, if we have differentiation, partial differentiation with respect to y, again same things, but here now it is with respect to y, so x into y, so here constant term is nothing but x because here differentiation is with respect to y, so that's why del y upon del y becomes 1. So here we are left with the answer that is x. So this is simple partial differentiation. Partial differentiation में जो भी other term हो जाएगी वो other term दूसरे term के लिए constant हो जाएगा, जैसे कि y is other term तो वो constant है, उसको बाहर निकाल लो, जो बाकी रहा उसका differentiation हम लोग करेंगे and then we get the answer for this differentiation. So that is partial differentiation. यहाँ पर मैंने सिर्फ दो dimension के लिए ही यहाँ पर लिखा है, three dimension भी हो सकता है. Okay, now uses of differentiation and integration. Okay, differentiation, suppose k we have one y value which is y is equal to f of x. अगर y is equal to f of x है, अब मुझे यहाँ पर find करना है कि y की value maxima पे क्या होगी. So अगर उसको y की value को maxima पे अगर find करूँ, then I get dy by dx will be 0, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमम दोनों के लिए ये वैल्यू सेम रहने वाली है. सो दिस इज फॉर मैक्सिमा एज वेल एज मिनिमा, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर जब कोई भी वैल्यू मैक्सिमम में होगी देन इट विल बी कॉन्स्टेंट और उसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे दैट विल बी 0. सिमिलर थिंग्स हैपन फॉर मिनिमा, क्योंकि उसके लिए वो जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, मिनिमम में वो वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है और कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे दैट विल बी 0 हियर. ओके, अगर मैं इस टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा देन आई गेट डी टू वाई बाई डी एक्स टू, राइट? सो दिस इज कॉल्ड सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 देन वाई इज सेड टू बी मिनिमा. y की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो मिनिमम में होगी जब कभी भी सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट एज पॉजिटिव. सिमिलरली यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू लेस देन 0 देन वी गेट y एज मैक्सिमा, क्योंकि ये जब कभी सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन 0 से छोटी होगी, स्मॉलर होगी, देन y विल बी इन मैक्सिमा पार्ट, राइट? सो दिस इज हाउ डिफरेंशिएशन गोज ऑन. सिमिलरली इंटीग्रेशन पूरा इसका उल्टा है, अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करूँगा सो आई एम गेटिंग डी वाई बाई डी एक्स, अगेन इसका इंटीग्रेशन करेंगे देन आई एम गेटिंग दिस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स. तो दोनों ही वाइस वर्सा है, राइट? ओके, नाउ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. ओके, तो यहाँ पर एरिया फाइंड करने के लिए पहले तो हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. सिंपल सा ग्राफ है, ये रहा इसका ग्राफ की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो, दिस वैल्यू इज एक्स वन फॉर इट एंड दिस वैल्यू इज, यस इट इज एक्स टू, और यहाँ पर
जो हम लोग स्मॉल एलिमेंट लेने वाले हैं उस स्मॉल एलिमेंट की जो थिकनेस है दैट इज डी एक्स, डी एक्स थिकनेस वाला हमने यहाँ पर ग्राफ लिया है। ओके सो दिस इज एक्स टर्म, ये डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा ग्राफ है, और यहाँ पर ये जो टर्म है वो हमारी वाई टर्म है, राइट। सो वाई को अगर एज अ कॉन्स्टेंट टर्म ले तो इसके हिसाब से ये जो हमने ड्रॉ किया है उसका अगर एरिया फाइंड करें तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर एक्स में, तो उसमें भी उसका जो एरिया होगा इट इज़ वाई इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल एरिया मिलेगा, राइट। सो डी ए इज इक्वल टू वाई डी एक्स। ओके अब मुझे यहाँ पर पूरे ग्राफ का एरिया अगर फाइंड करना है तो सिंपली इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स, देन इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन अगर डी ए का करेंगे, पूरा एरिया फाइंड करेंगे, सो इट विल बी गिव्स अस होल एरिया ऑफ द ग्राफ, और ये जो इंटीग्रेशन है इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इफ दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू वी हैव, राइट। सो ए इज इक्वल टू यहाँ पर वाई, इट इज कॉन्स्टेंट, टेक इट आउटसाइड, सो वाई इट इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन वन डी एक्स, कहाँ से कहाँ है ये जो इंटीग्रेशन है दैट इज फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू। ओके यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, सो ए इज इक्वल टू वाई, हियर वन डी एक्स इंटीग्रेशन इज एक्स, अपर लिमिट एक्स टू, लोअर लिमिट एक्स वन, सो हियर वी गेट ए इज इक्वल टू वाई एक्स टू माइनस एक्स वन। सो दिस इज द एरिया ऑफ आवर होल ग्राफ। सो जब कोई भी एरिया कोई भी ग्राफ का अगर फाइंड करेंगे तो वो हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे, राइट। सो दीज आर दी वैल्यूज। ओके थैंक यू।